शिव जी के नेत्र बंद हैं, समाधि में कथा कह रहे हैं और पार्वती जी बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। कथा तो बहती हुई चली जा रही है, नदी का प्रवाह कथा का प्रवाह कभी रुकता नहीं। महाराज पहले दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई एक चमत्कार वहां हुआ। ऊपर घोंसले में जो खंडित अंडा पड़ा है ये अपने आप ही जुड़ गया और इसके अंदर जीव आ गया। दूसरे दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई ये अंडा फूटा और एक नन्ना सा शुक पक्षी निकल करके घोंसले में आ गया। नीचे कथा सुन रही है माता पार्वती और ऊपर घोंसले में बैठ के अमर कथा का पान कर रहे हैं भगवान शुकदेव। दूसरे दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई दूसरा चमत्कार हुआ, ये शुक पक्षी के पंखों में तो उड़ने की शक्ति आ गई, फड़फड़ाने लगा, उड़ान भर सकता है अभी। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण हो रहा है। चौथे दिन की कथा में श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव का वर्णन हो गया। पांचवे दिन की कथा में श्री अन्नकूट उत्सव का वर्णन हुआ। छठे दिन की कथा में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव का वर्णन हो गया। सातवें दिन की कथा में तो भगवान शंकर ने सुदामा जी का चरित्र भी कह दिया। कथा बहती हुई आगे की ओर गई, ओम 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 शब्द का उच्चारण हो रहा है। सुखदेव जी ऊपर बैठ करके उसी कथा का पान कर रहे हैं और श्री कृष्ण अपनी लीला को समेट करके जब स्वधाम गमन की तैयारी करने लगे तो श्रीमान उद्धव जी उनके चरणों में आकर के गिर गए। उद्धव जी ने कुछ प्रश्न किए और एक प्रश्न किया कि प्रभु वैराग्य क्या होता है, आप थोड़ा मुझे बताइए। अब जैसे ही वैराग्य की बात कही सो पार्वती जी को नींद आ गई, सो गई। अरे जैसे कथा में हम लोग सो जाते हैं ना साहब, तो ये जो कथा में सोने की परंपरा है इसको आप नया ना समझना, अपने को इसका आविष्कारक भी ना मान लेना, ये तो पुरानी ही परंपरा है। देखो पार्वती सो गई तो हमारी आपकी चलती क्या है। इसलिए कोई आपको टोक दे कि आप कथा में सोते हो तो कहना भैया पार्वती जी ने प्रथा प्रारंभ करी, हमारा क्या दोष, सो गई पार्वती। तो सुखदेव जी ने मन में विचार किया यदि ओम ओम शब्द का उच्चारण नहीं होगा तो ये कथा यहीं रुक जाएगी। तोते में गुण होता है, सुनी हुई बात को वैसा ही बोल सकता है। तब इस शुक पक्षी ने माँ पार्वती के ही स्वर में ओम ओम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। कथा चलती हुई जा रही और जैसे ही ये अमर कथा भगवान श्री कृष्ण की लीला के बाद संपूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने जय जयकार किया, बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जय जयकार की पार्वती जी की तो नींद खुल गई। भगवान वैराग्य क्या होता है, श्री कृष्ण ने क्या बताया उद्धव जी को। भगवान शंकर ने कहा वैराग्य क्या होता है देवी, अरे कथा पूरी हो गई, भंडारे का समय आ गया, अब मैं तो तैयारी करने के लिए उठने वाला और तुम पूछती हो वैराग्य क्या होता है, मैंने तो बता दिया, क्या तुमने सुना नहीं। कहा प्रभु क्षमा करिएगा लेकिन मुझे नींद आ गई तो मैं इसके आगे की कथा ना सुन पाई। भगवान शंकर ने जैसे ये बात सुनी मेरे प्रभु को आया क्रोध और भगवान शंकर उठ करके खड़े हो गए, त्रिशूल को उखाड़ लिया, जटाओं को खोल करके बिखेर दिया, नेत्र क्रोध से लाल हुए और भगवान शिव के मुख पर पसीने की बूंद चमकने लगी। पार्वती जी उठ करके खड़ी हुई, हाथ जोड़ लिया और कहा प्रभु आप क्रोध ना करें। भगवान शिव ने कहा देवी तुमको कथा में नींद आ गई, मुझे इस बात पर क्रोध नहीं, लेकिन यदि तुमको कथा में नींद आई तो ओम ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था, इसका अर्थ यह है कि हम दोनों के अतिरिक्त यहाँ कोई तीसरा भी है जिसने चोरी से मेरी अमर कथा का पान किया है, तो कौन है मेरी अमर कथा का चोर। और भगवान शंकर चारों ओर देखने लगे। गई जैसे ही दृष्टि ऊपर वटवृक्ष की ओर तो घोंसले में नन्हे शुक पक्षी को बैठा हुआ देखा, ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं सुखदेव जी।
अच्छा व्यासपीठ से ऊपर बैठ करके तूने चोरी से कथा का पान किया है, मृत्यु दंड का तू पात्र है, मार दूं तुझे तो देवता मुझे दोष ना दें। और भगवान शंकर श्री सुखदेव जी को मारने के लिए दौड़े। इस नन्हे शुक पक्षी ने घोंसले से उड़ान भरी सज्जनों, आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे भगवान शंकर। जहां ये अमर कथा कही थी उसी स्थान को वर्तमान में अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। जाते हैं ना प्रतिवर्ष लोग अमरनाथ की यात्रा करने। अमरनाथ से भगवान सुखदेव उड़ते हुए आए नीचे बद्रीनाथ धाम की ओर, भगवान शिव भी पीछे दौड़ते हुए आए। और बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास का आश्रम है शम्याप्रास। ये भयभीत शुक पक्षी भय के कारण इसी आश्रम में आ पहुंचा, चारों ओर चक्कर लगाने लगा और अचानक इस पक्षी की दृष्टि वेदव्यास जी की धर्म पत्नी पर गई। भय लग रहा है, प्राण संकट में है, तब वेदव्यास पत्नी को आई जम्हाई और जैसे ही उन्होंने उबासी लेते हुए मुख को खोला, ये भयभीत शुक पक्षी उनके मुख में होकर के सीधे गर्भ में चला गया, लगा ली समाधि। महाराज भगवान शंकर आए आश्रम में, श्री वेदव्यास जी ने भगवान शिव का पूजन किया, कहा भोलेनाथ आप अचानक मेरे आश्रम में, और ये आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? कहा देखो व्यास, ये सब बात बाद में होगी, मेरी अमर कथा का चोर वो नन्ना शुक पक्षी तुम्हारे आश्रम में आ गया है, लाओ उसे मुझे दो, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। कहा है वो शुक पक्षी? श्री वेद व्यास जी ने नेत्र बंद किए तो देखा उनकी पत्नी के गर्भ में है, समाधिस्त है। और ये बात उन्होंने भगवान शंकर को कही और कहा भगवन आपने ही तो मेरी पत्नी को वरदान दिया था कि उसे आपके ही समान एक तेजस्वी ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी, अब आप अपने दिए हुए वरदान के कारण उस शुक पक्षी को मार नहीं सकते। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिसने आपके मुख से अमर कथा का पान कर लिया हो क्या वो कभी मर सकता है? क्या आप उसको स्वयं ही मार पाएंगे? भगवान शिव ने कहा मैं चाह करके भी नहीं मार सकता। तो प्रभु आप क्रोध को शांत करिए और कैलाश पर जाकर के भगवान का ही भजन करिए। भगवान शंकर का कोप शांत हो गया। भगवान शिव कैलाश पर लौट करके आए, फिर समाधिस्थ हो गए। इस शुक पक्षी ने 16 वर्ष की समाधि वेदव्यास पत्नी के गर्भ में लगा के रखी। 16 वर्ष का समय जब पूरा हुआ तो वेद मंत्रों की ध्वनि वेदव्यास पत्नी के गर्भ से बाहर निकलने लगी। जैसे पिटारी में बहुमूल्य यदि कुछ रखा हो तो उसका प्रकाश छिटक करके पिटारी के बाहर आ जाएगा, ऐसे ही गर्भ में ये परम ज्ञानी आ पहुंचा तो वेदव्यास पत्नी के मुख से भी दिव्य तेज और प्रकाश बाहर निकलने लगा। महाराज श्री वेदव्यास समझ गए कि कोई परम ज्ञानी मेरी पत्नी के गर्भ में है, ये कोई साधारण शुक पक्षी नहीं है। श्री वेदव्यास ने कहा बेटा शुक, 16 वर्षों की समाधि तुम्हारी पूरी हो गई है मेरी पत्नी के गर्भ में, अब तो जन्म लो। बेटा मैं तुम्हारा मुख देखना चाहता हूं अब। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर से तो मैं भीतर अच्छा हूं। क्यों नहीं आओगे बाहर? बोले बाहर आऊंगा तो गोविंद की माया मुझे पकड़ लेगी। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना ये किसी के बस की बात नहीं, भगवान ने गीता में कहा। भगवान की माया अगुणमयी नहीं होती, गुणमयी होती है, ध्यान रखना। कब बाहर आऊंगा माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं अंदर ही भजन करना चाहता हूं, मैं बाहर जन्म लेके नहीं आऊंगा। हाँ श्री वेदव्यास जी ने भगवान सुखदेव को वरदान दिया और कहा बेटा मैं स्वयं तुझे वरदान देता हूं कि श्री हरि की माया तुझे स्पर्श भी ना कर पाएगी, अब तो जन्म लेकर के आओ। वेदव्यास जी ने वरदान दिया, प्रार्थना की,
तब 16 वर्षों की समाधि के बाद उनकी पत्नी के गर्भ से स्वयं भगवान शुकदेव भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अवतार लेकर के आए। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। जन्म लिया और शुकदेव जी दौड़ पड़े वन की ओर। वेद व्यास जी तो रोने लगे, दौड़ करके आए और कहा कि अरे बेटा ये क्या, जन्म लेते ही तुम वन की ओर दौड़ पड़े, रुको मेरी बात सुनो। लेकिन शुकदेव जी ने कोई उत्तर ना दिया, बस एक ही धुन में दौड़ते हुए चले जा रहे। तब मार्ग के वृक्षों ने तन्मय होके श्री वेद व्यास को कहा, लोक हित में अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए, ये सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा है, ये तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने आए हैं, इसलिए आप इनको केवल अपना ना समझिए, ये तो सभी समाज के लिए हैं, इसलिए इनका त्याग कर दीजिए। श्री वेद व्यास जी शुकदेव जी को बीच मार्ग में त्याग करके अपने आश्रम लौट करके आए। इनके आश्रम के चारों ओर बेर के वृक्ष हैं, बद्री वन में है आश्रम इनका, शम्याप्रास बद्रीनाथ। देखो किसी को भी यदि जीवन में वाक चातुर्य प्राप्त करना हो, माने ऐसी वाणी प्राप्त करनी हो जिस वाणी के द्वारा ही हर कार्य का हल हो जाए, या किसी की वाणी अवरुद्ध हो, बोलने में कठिनाई होती हो, तो उसको बेर के वृक्ष की लकड़ी की दातुन करनी चाहिए। बेर के अंदर गुण होता है कि वो वाक चातुर्य प्रदान करता है। यदि बेर के वृक्ष की लकड़ी से दातुन किया जाए ना, तो वाक चतुराई प्राप्त होती है। इसलिए तोता बेर को विशेष पसंद करता है। आप देखते हैं तोता बेर के फल को बहुत खाता है, तो बेर के अंदर ये गुण होता है। जीवन में जब किसी की जन्म पत्री देखी जाती है तो उसमें तीन ग्रहों को विशेष रूप से देखा जाता है, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध। चंद्रमा माने हमारा मन, बृहस्पति माने हमारा ज्ञान, बुध माने हमारी बुद्धि। इन तीनों को देखा जाता है विशेष रूप से। चंद्रमा अर्थात मन, बृहस्पति ज्ञान और बुध बुद्धि। हम लोग बोलते हैं ना ये तो बड़ा बुद्धू है, तो बुद्धू का मतलब ही बुद्ध होता है, ध्यान रखना। बुद्ध माने बुद्धि। चंद्रमा के लिए हम लोग भगवान शिव पर दही और चंद्रमा चढ़ाते हैं, चंद्रमा को ठीक रखने के लिए। बृहस्पति के लिए हम लोग पुखराज पहन लेते हैं, सुंगली में बृहस्पति को संतुष्ट करते हैं। बुद्ध के लिए सबसे छोटी उंगली में पन्ना पहन लेते हैं, हरे रंग का होता है, बुद्ध को संतुष्ट करने के लिए। ये जो करते हैं जीवन में, आगे जब इनकी महादशाएं आती हैं, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर आदि सब देखते हैं। लेकिन मैं आपको तीन बहुत छोटे से उपाय बताता हूं। घर में बच्चे को नित्य दो हनुमान चालीसा पाठ करने की शिक्षा आप देना। श्री हनुमान चालीसा के दो पाठ, एक स्नान के बाद और दूसरा रात्रि में सोने से पहले। श्री हनुमान चालीसा के दो पाठ नित्य करने से मन ठीक दिशा में जाकर के लगता है और चंद्रमा की कृपा भी मिल जाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचार। दो हनुमान चालीसा के पाठ अवश्य हो। भैया भोजन जब बच्चा करे तो उसके बाद थोड़ा सा हरा सलाद उसको 10 से 15 मिनट के अंतर पर खिलाना चाहिए।
हरा हो। हरा सलाद खिलाने से क्या होगा? बोले बुद्ध प्रसन्न हो जाएंगे, बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। फिर रात्रि में सोने से पहले बच्चा जो गिलास में दूध पिए, उस दूध में थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा देना चाहिए। हल्दी का टीका लगाने से क्या होगा? बोले बृहस्पति प्रसन्न हो जाएंगे, ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। अब यदि ये शुरू से किया जाए तो आगे फिर पुखराज है, पन्ना है आदि, इस सब की जरूरत पड़ती नहीं है। पहले से ही इनको संतुष्ट कर लो तो इनकी कृपा जीवन में सदा प्राप्त होती रहेगी। व्यवहारिक है, वैज्ञानिक भी है, जन्म पत्री के अनुसार भी सही है। तो बच्चों को ये तीन बातें अवश्य घर में बतानी चाहिए। महाराज, भगवान सुखदेव वन में समाधिस्थ, वेदव्यास जी अपने आश्रम बद्रीनाथ में, और सूत जी महाराज ने भगवान सुखदेव की वंदना संपन्न की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इसके बाद सूत जी ने नर नारायण भगवान की वंदना की। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरये। नर नारायण भगवान की वंदना की। फिर सूत जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की वंदना की। तो आइए हम भी उनके साथ मिलकर के श्री बांके बिहारी की वंदना करें। बांके बिहारी की बाकी मरोर मेरो चित लीनो चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर मेरो चित लीनो चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर मेरो चित लीनो चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर मेरो चितली नो चोर। चितली नो चोर 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 मेरो चितली नो चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर मेरो चितली नो चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर मेरो चितली नो चोर। जय हो। और लटके है चोर मेरो चितली नो चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर मेरो चितली नो चोर। बांके बिहारी की बाकी मरोर मेरो चितली नो चोर। ताली बजा के प्रेम से। जय हो। I go.
लकुटिया सजी हाथ की, माँ की लकुटिया सजी हाथ की, माँ की लकुटिया सजी हाथ की, अरे माँ की लकुटिया सजी हाथ की, माँ का पीतांबर की झलके किनोर मेरो चितली नो चोर, माँ का पीतांबर की झलके किनोर मेरो चितली नो चोर, माँ के बिहारी की बाकी मरोर मेरो चितली नो चोर, माँ के बिहारी की बाकी मरोर मेरो चितली नो चोर। जय हो। ताली बजा के प्रेम हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाका मुकुट बाके कुंडल विशाल, गल्हा
महाराज ने भगवान श्री बांके बिहारी और राधा रानी को नमस्कार किया, सरस्वती जी की वंदना की, श्री वेद व्यास जी की वंदना की और फिर शौनकादि ऋषियों को कहा कि हे ऋषियों, आपने जो 6 प्रश्न मुझसे किए उन 6 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देता हूं। आपने पहला प्रश्न किया, शास्त्रों में, पुराणों में, गुरुजनों के अलग अलग उपदेशों में जीव के कल्याण का साधन क्या बताया गया है। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहे तुक्के प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव के कल्याण का साधन है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम प्रीति का होना। निष्काम भक्ति ही कल्याण का साधन बताया गया है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति करें लेकिन कैसी? बोले जिसका कोई हेतु ना हो, अहेतुकी भक्ति। निष्काम भक्ति को जीव के परम कल्याण का साधन बताया गया। भगवान की भक्ति करें, बदले में उनसे कुछ आकांक्षा ही ना रखें। हम भगवान की भक्ति करते हैं, बदले में कुछ इच्छा रखते हैं, भगवान उसको पूरा करके हमारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यदि निष्काम भक्ति को रखा, भक्ति तो की लेकिन बदले में कुछ ना इच्छा रखी, तो भगवान भी बंधन में आ जाते हैं, ऋण चढ़ जाता है ऊपर। अरे ये मेरा कैसा भक्त है, इतनी भक्ति करता है बदले में कुछ मांगता ही नहीं। इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। निष्काम भक्ति ही जीव के परम कल्याण का साधन है। आपने दूसरा प्रश्न किया कि सभी शास्त्रों का, पुराणों का आप सार हमको कहिए, निचोड़ हमको दीजिए। तो वो सार है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी कथा हे शौनकादि ऋषियों मैं आप लोगों को अब कहूंगा। आपने तीसरा प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी
श्री राम जय राम। ताली बजा के जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जब जग होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। हे शौनकादि ऋषियों, जब धर्म की हानि होती है अधर्म का बोलबाला होता है तब इस पृथ्वी को पापियों के पाप के भार से मुक्त कराने के लिए अधर्म के नाश के लिए धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान अजन्मा होने के बाद भी माता देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के आते हैं। उनके अवतार का हेतु ही धर्म की मर्यादा की स्थापना है। भगवान का ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। जो धर्म में है वही भगवान को प्रिय है और जो अधर्म में है वही भगवान को अप्रिय है। भगवान तो गीता में कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सभी समान। श्री रामावतार में सूर्य के पुत्र हैं सुग्रीव, इंद्र के पुत्र हैं बाली। सूर्यांश सुग्रीव धर्म के पक्ष में हैं और इंद्रांश बाली अधर्म के पक्ष में हैं। तो श्री राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव से मित्रता की और उनका पक्ष लेते हुए इंद्र पुत्र बाली जो अधर्म के पक्ष में है उसका वध कर दिया। वे ही श्री राम जब श्री कृष्णावतार में आए, इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन और सूर्य के पुत्र हैं कर्ण। सूर्य पुत्र कर्ण अधर्म के पक्ष में जाके खड़े हो गए और इंद्र पुत्र अर्जुन धर्म के पक्ष में आके खड़े हो गए। तो क्या किया भगवान ने? यदि सूर्य पुत्र सुग्रीव से पूर्व अवतार का प्रेम है तो भगवान को इस अवतार में भी सूर्य पुत्र कर्ण का ही साथ देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने ऐसा ना किया, इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिया और उसे निमित्त बना के सूर्य पुत्र कर्ण का वध करवा दिया। इन दोनों ही अवतारों की जब विवेचना करते हैं, देखते हैं ध्यान लगा करके, तो ये समझ में आता है कि भगवान का प्रिय वही है जो धर्म में है और भगवान को अप्रिय वही है जो अधर्म में है। ऐसे भगवान की दृष्टि में सभी समान होते हैं, उनकी भेद दृष्टि नहीं है।
भगवान अजन्मा होने के बाद भी माता देवकी के गर्भ से जन्म लेके आते हैं। आपने अगला प्रश्न मुझसे किया कि भगवान की लीलाओं में नारदादि महात्माओं ने जो सहयोग किया आप हमको कहिए, तो श्रीमद् भागवत की कथा कहूं आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिले। आपने अगला प्रश्न किया कि भगवान नारायण के मुख्य कितने अवतार हैं, थोड़ा हमको बताइए ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के शौनकादि ऋषियों असंख्य अवतार हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी भगवान नारायण के मुख्य 24 अवतार माने जाते हैं। कौन कौन से 24 अवतार हैं? बोले भगवान नारायण का सबसे पहला अवतार है सनत कुमारों के रूप में, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको सनकादि भी बोलते हैं, जिसको बात बात पर जल्दी सनक आ जाए उसको ही सनकादि बोलते हैं। हाँ, अब अवस्था में तो भगवान शंकर से बड़े हैं, लेकिन दिखने में तो 5 वर्ष के बालक के समान, आपको पता है ना, थोड़ा भी इनके भजन में कोई व्यवधान कर दे तो सनकादियों को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। भगवान नारायण का दूसरा है वराह अवतार, भगवान ने शुकर रूप लिया, पृथ्वी को रसातल से निकाला। भगवान नारायण का ही अवतार है देवर्षि नारद, जो दूसरे को ज्ञान दे उसको नारद बोलते हैं। हमारे ब्रज में कहा जाता है जाकी बात कभी रद्द ना होवे वा कोई नारद कहो जाए, मतलब जिसकी बात कभी रद्द ना हो, ना रद्द, जिसकी बात को कभी कोई काट ना पाए उनको ही नारद कहा जाता है। और नारद जी ऐसे हैं महाराज, हाँ, देवताओं के घर में भी चाय पीते हैं, दैत्यों के यहाँ जाके भी चाय पीते हैं, एक ही महात्मा है ऐसे। आप बताओ कोई दूसरा ऐसा महात्मा है जो दोनों जगह जाके चाय पीता हो? नारद जी ऐसे। हमारे यहाँ महात्मा लोग सामान्यतः राग के आचार्य होते हैं, लेकिन देवर्षि नारद ऐसे हैं जो राग और द्वेष दोनों के ही आचार्य हैं। वे भगवान के भक्तों को भगवान के अवतार के बारे में बता करके राग के द्वारा उनको भगवान से जोड़ देते हैं, और वे असुरों को भगवान के अवतार के बारे में बता करके द्वेष के द्वारा उनको भगवान से जोड़ देते हैं। अब राम नाम से भी राम मिलेंगे और राम बाण से भी राम ही मिलेंगे, राग से भी भगवान मिलेंगे और द्वेष से भी भगवान मिलेंगे। मित्र मान के चिंतन तो भगवान का है, शत्रु मान करके चिंतन तो भी भगवान का है, दोनों ही परिस्थितियों में अंत में भगवान की प्राप्ति होनी। तो नारद जी राग और द्वेष दोनों के ही आचार्य हैं। भगवान नारायण का अगला अवतार है नर नारायण के रूप में, भगवान नारायण ही कपिल देव के रूप में आए सांख्य शास्त्र को प्रकट करने के लिए। उनका ही अगला अवतार है दत्तात्रेय के रूप में, अत्रि पत्नी अनुसुईया उनके पुत्र के रूप में वे आए, जिनका नाम हुआ दत्त भगवान। तो जैसे नियम होता है ना कि अपना नाम लिखते हैं फिर आगे अपने पिता का नाम लिखते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे ही अपने नाम को लिखते हैं, तो दत्त और अत्रि इन दोनों नाम को जब आपस में मिलाते हैं तो एक नया नाम होता है जिसको बोलते हैं दत्तात्रेय। ये भी भगवान नारायण के अवतार हैं। महाराष्ट्र में तो दत्त भगवान की बहुत पूजा भी होती है, लोग बहुत पूजन करते हैं उनका। भगवान नारायण का ही एक अवतार है यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ के रूप में। जैन धर्म को प्रारंभ करने के लिए भगवान नारायण ऋषभ देव के रूप में प्रकट होके आए, प्रथु जी के रूप में उनका ही अवतार है। भगवान नारायण ने ही मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार भी उन्हीं का है। वे अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी के रूप में प्रकट होके आए, मोहिनी अवतार भी भगवान नारायण ने लिया। स्तंभे सभायाम ना मृगम न मानुषम, भगवान ने पत्थर के स्तंभ से नरसिंह अवतार लिया। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम,
भगवान नारायण ने ही एक अवतार लिया वामन के रूप में, भगवान नारायण ने ही परशुराम जी के रूप में अवतार लिया, श्री वेद व्यास जी के रूप में भी उनका ही अवतार है, अयोध्या में श्री राम के रूप में उनका प्राकट्य हुआ, श्री बलराम जी के रूप में भगवान नारायण ने अवतार लिया, मथुरा कंस के कारागार में मेरे गोविंद के रूप में भगवान नारायण ने अवतार लिया। तमद्भुतम बालक मम बुजे क्षणम, अद्भुत बालक के रूप में श्री कृष्ण प्रकट हो के आए। गौतम बुद्ध के रूप में भी भगवान नारायण ने अवतार लिया बौद्ध धर्म के लिए। श्री हरि के रूप में उनका ही अवतार है, उन्होंने गज की रक्षा ग्रह से की। हंस भगवान के रूप में भी भगवान नारायण का ही अवतार है, और 24वां कल की अवतार जो आगे जाकर के होने वाला है, ये भगवान नारायण के 24 अवतार हैं शौनकादि ऋषियों, और इन 24 अवतारों में कुछ पूर्णावतार हैं, कुछ अंशावतार हैं, कुछ क्रोधावतार हैं, अलग अलग हेतु से भगवान के लिए हुए अवतार हैं। दो पूर्णावतार कौन हैं? कहा श्री राम और श्री कृष्ण। अरेते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्ण, 16 कला पूर्ण अवतार उनको माना जाता है, पूर्णावतार है। आपने अगला प्रश्न ये किया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके जब स्वधाम गमन कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आया, और श्रीमद् भागवत की कथा मैं आप लोगों को अब कहूंगा। शौनकादि ऋषि सब तैयार हुए, तब सूत जी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की, और सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा अपने ही पुत्र भगवान शुकदेव को प्रदान की। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान हमारे मन में प्रश्न है, कुछ पूछिए। पहला प्रश्न यह है कि किसकी प्रेरणा से श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की? और आपने कहा शुकदेव जी को सबसे पहले ये कथा दी, लेकिन हमने तो सुना है कि सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेशु ग्रह मेधिना, शुकदेव जी किसी भी द्वार पर उतना ही समय रुकते हैं जितना समय एक गाय को दोहने में लगता है, लगभग 5-5.5 मिनट। फिर उन शुकदेव जी ने इतने विशाल भागवत महापुराण का अध्ययन कैसे कर लिया, थोड़ा आप हमको बताइए। सूत जी महाराज ने कहा शौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनिए, नारायण के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ के हैं शक्ति, शक्ति के पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र हैं भगवान श्री वेदव्यास। बद्रीनाथ धाम में जिनका आश्रम है शम्याप्रास, आज श्री वेदव्यास जी स्नान के बाद अपने आश्रम में आसन पर बैठे हैं, नेत्र उनके बंद हुए, सज्जनों हाथ में माला है, और नेत्र जब बंद हुए आगे आने वाले कलयुग का दर्शन श्री वेदव्यास जी को होने लगा। मनुष्यों को पशुओं के समान जब जीता हुआ देखा तो श्री वेदव्यास जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे, उन्हें मन में बड़ा असंतोष होने लगा, हृदय उनका दग्ध होने लगा। मन्यमानस्य खिद्यतः, मन खिन्न हो गया, और वे सोचने लगे अरे देखो इन कलयुग के मनुष्यों को कैसे पशुओं के समान मरते चले जा रहे हैं, पत्ते पर रखी ओस की बूंद जैसे कब सरक जाए, इनका जीवन कब समाप्त हो जाए कोई कह नहीं सकता। मैंने जितनी भी रचनाएं की मुझे ऐसा लगता है इनमें कोई ना कोई कमी है, कलयुग के मनुष्यों को भगवान की ओर मोड़ दूं तो ऐसी कौन सी नई रचना करूं, और मेरी पूर्व की रचनाओं में क्या कमी है जिसकी पूर्ति में नई रचना में कर दूं। 17 पुराणों की रचना की, लेकिन कलयुग में तो कोई उनके नाम को भी नहीं जान पाएगा, अध्ययन की बात तो बहुत दूर रही।
वेद पर सबका अधिकार नहीं होता, शास्त्रों के तो नाम भी ना पता, महाभारत को तो कोई अपने घर में ही नहीं रखेगा, अध्ययन की बात तो बहुत दूर। हम लोग अपने घर में महाभारत नहीं रखते, कोई रखता है अपने घर में? हैं? दूसरे के घर में महाभारत दे सकते हैं, अपने घर में नहीं रखते। कहा महाराज घर में महाभारत रखते हो? कहा नहीं नहीं महाराज, क्या कह रहे हैं आप, घर में महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत नहीं होगी। कहा रामायण रखने से कभी रामायण ना हुई, भागवत रखने से कभी भागवत ना हुई, महाभारत रखने से महाभारत हो गई। लोग महाभारत को लेके अकारण ही भयभीत रहते हैं। महाभारत का ही एक भाग है भगवत गीता, और जिस वृक्ष का फल मीठा होता है वो वृक्ष भी कल्याणकारी होता है, ध्यान रखना। लोग रखते नहीं महाभारत को, महाभारत को घर में रखने से महाभारत कभी नहीं होती, वो महाभारत जिन कारणों से हुई उन मार्गों पर चलने से जीवन में महाभारत होती है। जुआ खेलेंगे महाभारत होगी, स्त्री का अनादर करेंगे महाभारत होगी, मदरापान होगा महाभारत होगी, लेकिन महाभारत जैसे पंचम वेद को घर में रखने से कभी महाभारत नहीं होती। और लोग बड़े भयभीत रहते हैं महाभारत को लेकर के। वेद व्यास जी रोने लगे, वे ना समझ पाए कि मैं क्या नई रचना करूं, समाज का मंगल कैसे हो। उसी समय देवर्षि नारद श्री वेदव्यास जी के आश्रम में आए। श्री वेदव्यास जी ने नारद जी का पूजन किया, उनको आसन दिया, देवर्षि नारद विराजमान हुए और पूछा, हे महर्षि, आप जैसा परम ज्ञानी इस प्रकार से रो रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्या कारण है? वेदव्यास जी ने कहा, हे नारद जी, आज मैंने समाधि में आगे आने वाले कलयुग के लोगों का दर्शन किया है, जिनका जीवन पशुवत है, ऐसे कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं क्या नई रचना करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे मन में अपनी पूर्व की रचनाओं को लेकर के असंतोष हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनमें ऐसी क्या चीज छूट गई जिसको मैं नई रचना में पूरा कर दूं। मेरा हृदय दग्ध हो रहा है, भोजन शयन भय संतान उत्पत्ति, इसमें ही कलयुग के मनुष्यों का जीवन बस बीतता चला जा रहा है, कैसे करूं मैं इनका मंगल, कैसे इनको भगवान की ओर मोड़ दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, जिस वाणी के द्वारा जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता, वो वाणी तो कौओं के लिए झूठा फेंकने वाले स्थान के समान होती है, और मान सरोवर में विचरण करने वाले परमहंस रूपी भक्त कभी उस स्थान पर रमण नहीं करते। आपने पूर्व में जितनी भी रचनाएं की हैं उनमें ज्ञान और वैराग्य का निरूपण तो बहुत किया, लेकिन कलयुग के मनुष्यों का कल्याण करने वाली मेरे गोविंद की लीलाओं का वर्णन जो भक्तिमय है अभी तक आपने ना किया, इसलिए मुझे अपने पिता से चार मंत्रों में भागवत जी प्राप्त है, वो चतुःश्लोकी भागवत मैं आपको प्रदान करता हूं, आप राधा रानी और गोविंद का ध्यान करके उन चार मंत्रों का विस्तार करिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए जिनमें गोविंद की भक्तिमय लीलाओं का वर्णन किया गया हो, बिना भागवत रचना के आपको संतोष नहीं मिलेगा। नारद जी ने व्यास जी को प्रेरणा दी, और भगवान के नाम में श्री कृष्ण के नाम में क्या शक्ति है, हे वेदव्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा संक्षिप्त कहता हूं, सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मेरे गोविंद के नाम की क्या महिमा है। वेदव्यास जी ने कहा, बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चाश्चन वेदवादिनाम। पूर्व जन्म में हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं एक दासी का पुत्र था,
मेरा जब जन्म हुआ उससे कुछ दिन पूर्व ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने आजीवन कभी अपने पिता का मुख ना देखा। मेरी अवस्था जब 5 वर्ष की हुई तो मेरी माता एक दिन मुझे लेकर के वेदवादी गृहस्थ ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुंची। उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप अपने आश्रम में कोई सेवा कार्य मुझे दीजिए जिसके बदले मेरे पुत्र का पालन पोषण हो। उन वेदवादी गृहस्थ ब्राह्मणों ने गौ सेवा के लिए मेरी माँ को रखा। हे व्यास जी, मेरी माँ पूरा दिन गौ सेवा करती और बदले में मेरा पालन पोषण करती। मेरी माँ ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को उठाया। मैं उन वेदवादी गृहस्थ ब्राह्मणों के आश्रम पर ही वास कर रहा हूं। एक बार संतों की मंडली चातुर्मास करने के लिए इनके आश्रम पर पधारी। इन संतों को अब 4 महीना तक यहीं वास करना है। और कैसा कैसा नियम इन संतों का, ये तो केवल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि 10 बजे तक श्री कृष्ण के ही नाम का गान करते हैं, श्री कृष्ण की कथा को कहते हैं, आपस में उसका श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण के नाम का ही संकीर्तन करते हैं, बस केवल गोविंद का नाम। एक दिन मेरी मां गौ सेवा के लिए जा रही है। अचानक ना जाने मेरी मां के मन में क्या भाव आया, मेरी मां ने मुझे अपने साथ लिया और जहां ये संतों की मंडली चातुर्मास कर रही है उन संतों की मंडली के पीछे ले जा करके मुझे बैठा दिया और कहा, बेटा मैं गौ सेवा करके लौट करके आती हूं, तुम यहीं संतों के सानिध्य में बैठो। मेरी मां चली गई। हे व्यास जी, मैंने जीवन में पहली बार श्री कृष्ण के नाम को उस दिन अपने कानों से सुना और संतों के मुख से निकलने वाला गोविंद का नाम जैसे मेरे कर्ण रंध्रों से प्रविष्ट होकर के गया अंदर, मेरे समस्त अंग तापों का इसने हरण कर लिया। मैं तो श्री कृष्ण की कथा सुनने लगा। महात्मा लोग हंसते तो मैं हंसने लग जाता, वो रोते तो मेरी भी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती, वे संकीर्तन करते तो मैं भी ताली बजा करके जोर जोर से संकीर्तन करने लगता, नाचने लग जाता। और श्री कृष्ण की कथा जब मैंने सुनी तो गोविंद ने मेरे चित्त का आकर्षण करके अपने चरणों में ले जाके स्थिर कर लिया। मैं अपनी माँ के संग लौट करके कुटिया में आया। अगले दिन मेरी माँ जब गौ सेवा के लिए फिर चलने को तैयार हुई तो मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे फिर संतों के साथ ले जा करके बैठा दो, मैं श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने संग चला करके लेके गई और जहाँ ये संत लोग बैठे हैं सत्संग हो रहा है इनका, उस सत्संग में ले जा करके मुझको भी बैठा दिया। मेरी माँ गौ सेवा के लिए चली गई। अब तो मैं नित्य प्रति श्री कृष्ण की कथा का पान करने लगा। मेरे मन में होता कि देखो मैं संतों के मुख से कथा सुनता हूं तो थोड़ा इनकी सेवा भी करनी चाहिए। कथा का दान सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है, इसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे संतों की सेवा करनी चाहिए। हे व्यास जी, मैं इनके यज्ञ के लिए छोटी छोटी लकड़ियों को बीन करके ले आता और इनके पास रख देता। मेरे इस भाव से संतुष्ट होकर के इन संतों ने मेरा नाम रख दिया बालक रामदास। नित्य ही मैं सत्संग में बैठता हूं। अब तो कुछ दिनों के बाद मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि श्री कृष्ण का नाम यदि मेरे कानों में ना जाए तो मैं ऐसे ही तड़पने लग जाऊं जैसे मछली जल के बिना तड़पने लग जाती है। मैं कृष्ण कथा में ऐसा पक गया कि भूख प्यास भोजन पानी इसका कोई विवेक मुझे ना रहा। कब समय बीत जाता मुझे पता ना चलता और जब मुझे उठ के जाना होता तो मेरे मन में अत्यंत पीड़ा होती कि देखो मैं सत्संग छोड़ करके अपनी कुटिया में जा रहा हूं। एक दिन की बात है वेदव्यास जी,
ये सभी महात्मा प्रसाद की पंगत में बैठे हैं, सबके आगे पत्तल परोसी मैंने, थोड़ा परोसाई भी करने लगा। और जब प्रसाद की समस्त सामग्री पत्तल पर परोस दी तो मैंने हाथ जोड़ करके इन महात्माओं से एक प्रार्थना की और कहा, महाराज आप सभी अपनी अपनी पत्तल पर थोड़ा थोड़ा झूठन मेरे मंगल के लिए छोड़ दीजिएगा, आप सबकी झूठन को मिलाकर के मैं भगवान का प्रसाद समझ करके पालूंगा तो मेरा जीवन सदा के लिए धन्य हो जाएगा, इसलिए मेरे मंगल के लिए आप अपनी पत्तल पर थोड़ा थोड़ा झूठन छोड़ दीजिए। महात्माओं के नेत्रों से तो जल धारा बहने लगी और कहा, बच्चा रामदास चिंता ना करो, तेरे मंगल के लिए हम आज अपनी पत्तल पर थोड़ा थोड़ा झूठन भी छोड़ देंगे। साधु की संगत और प्रसाद की पंगत, इसको जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु नानक देव ने कहा है कि साधु की संगत की महिमा है और प्रसाद के पंगत की महिमा है। संगत और पंगत, इन दोनों की महिमा का बोध जिसे जीवन में रहता है, ये समझना उसी का जीवन धन्य हो जाता है। संगत से मन भगवान में लगता है और पंगत से ये शरीर भगवान की सेवा में जाके लगता है। महाराज सभी संतों ने थोड़ा थोड़ा झूठन अपनी पत्तल पर छोड़ दिया, ये सब उठकर के चले गए। नारद जी कहते, मैं दौड़ करके आया, एक पात्र लेकर के सारी पत्तलों से झूठन को उठाया, उसमें एक साथ मिला लिया, तुलसी दल डाल दिया और भगवान का ही प्रसाद समझ के हे वेदव्यास जी मैंने उस झूठन को पा लिया। जैसे ही उस झूठन को पाया मेरा समस्त अंतःकरण कृष्णमय हो गया, नित्य मैं गोविंद की कथा सुनता हूं। कैसे दिन बीत रहे हैं, समय बीत रहा है, इसका ज्ञान ही नहीं है। और चातुर्मास का समय भी अब पूरा होने को आया, महात्माओं की मंडली चलने की तैयारी करने लगी, मुझे सूचना मिली, मैं दौड़ता हुआ आया और इन संतों के चरणों में गिर के रोने लगा और कहा, बाबा मैं क्या सुन रहा हूं, आप सब अब जाने की तैयारी कर रहे हैं? बच्चा हम 4 महीना के लिए तो यहाँ आए थे, अब ये समय पूरा हो गया तो हमको जाना होगा, साधु चलता भला और सरिता बहती भली, इसलिए हमको जाना होगा। कहा, आप चले जाएंगे तो मुझे गोविंद की कथा कौन कहेगा, किसके साथ बैठकर के मैं श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करूंगा, आपके बिना मैं रह नहीं सकता, इसलिए हे बाबा मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझको अपने साथ ही लेकर के जाइए। संतों ने कहा, बच्चा रामदास शास्त्रों ने सर्वोपरि स्थान माता का बताया है, गांधारी ने भी महाभारत में श्री कृष्ण की वंदना जब की तो पहले उनके मातृत्व रूप की वंदना की, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। पहले भगवान के मातृत्व रूप की वंदना की। बच्चा माता का स्थान सर्वोपरि होता है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। देखो क्रम में फिर माता का स्थान सबसे आगे आ गया, इसलिए तुम्हारी माँ अभी जीवित है तो पहला धर्म है तुम्हारा अपनी माता की सेवा करना, लेकिन तूने जो हमारी संगत की है, तूने जो प्रसाद की पंगत स्वीकार की है, तूने जो हमारी सेवा की है, उसके बदले हम जाते हुए मिलकर के तुझे एक गुरु मंत्र दे करके जाते हैं। बच्चा रामदास हमारे जाने के बाद इस मंत्र का तुलसी की माला पर जप करना, हमारा आशीर्वाद है, श्री कृष्ण तुम्हारा मंगल करें। हाथ पकड़ लिया सभी संतों ने बालक रामदास का, नेत्र बंद हुए और सबने मिलकर के एक ही साथ इस बालक को गुरु मंत्र प्रदान कर दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मंत्र मिल गया बालक रामदास को। महात्माओं की मंडली वहां से प्रस्थान कर गई और अगले दिन से हे व्यासी मैं तुलसी की माला लेकर के इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने लगा। मैं बालक ठहरा, जप कर रहा हूं, लेकिन मन में इच्छा क्या है कि ये आखिरी बंधन मेरी माँ के रूप में है, इस बंधन से भी प्रभु मुझे मुक्त कर दो तो वन में जाकर के मैं तेरा ही भजन करूं। जप कर रहा हूं और क्या मांग रहा हूं भगवान से। भगवान ने भी मेरे मन की इच्छा को स्वीकार कर लिया। एक दिन मेरी माता गाय दोहने के लिए जा रही है, मार्ग से सर्प निकला, मेरी माँ का पैर सर्प पर पड़ा और सर्प दंश से मेरी माँ को मृत्यु की प्राप्ति हुई। ये सूचना जैसे ही मेरे कानों में पहुंची मैं दौड़ता हुआ आया, माँ के शव के चरणों में गिर के मैंने रोना प्रारंभ कर दिया। और हे वेद व्यास जी, दो प्रकार के आंसू मेरे नेत्रों से निकले। मेरी दाहिनी आंख से गर्म आंसू निकला और मेरी बाईं आंख से ठंडा आंसू निकला। दो प्रकार के आंसू। व्यासी ने पूछा, दो प्रकार के आंसू क्यों निकले? कहा, जब कोई दुखी होके रोता है तो आंसू गर्म होता है और जब कोई प्रसन्नता में रोता है तो आंसू ठंडा होता है। मेरी दाहिनी आंख से गर्म आंसू इसलिए निकला, हे व्यास जी, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ मुझे सदा के लिए छोड़ करके जा चुकी है। और मेरी बाईं आंख से ठंडा आंसू इसलिए निकला कि चलो, इस बंधन से भी मैं मुक्त हो गया, अब जाऊं उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर और वहां जाकर के गोविंद का भजन करूं। वेदवादी गृहस्थ ब्राह्मणों की सहायता से माँ का अंतिम संस्कार किया और माला लेकर के मैं उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर गया। प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, अनेकों बाधाओं को पार करता हुआ मैं उत्तराखंड की भूमि पर एक पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचा। एक दिन वहां भजन करते करते मेरी समाधि लगी, नेत्र बंद हुए और जैसे ही नेत्र बंद हुए तो बंद नेत्रों में मुझे गोविंद की दिव्य झांकी का दर्शन हुआ। भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की झांकी का दर्शन हुआ और तत्क्षण वो झांकी अंतर्धान हुई, हड़बड़ा करके मेरे नेत्र खुल गए। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, मैं चिल्लाने लगा। अनेकों बार अपने नेत्रों को बंद किया कि फिर वही झांकी मुझे दिख जाए, लेकिन उस झांकी का दर्शन मुझे फिर ना हुआ। मैं रोने लगा, हे गोविंद, मुझे आपका दर्शन क्यों नहीं होता? उसी समय आकाशवाणी हुई, हे बालक रामदास, उदास ना होना, इस जन्म में मेरा इतना ही दर्शन तुझे लिखा था, लेकिन बेटा, तूने जो मेरे मंत्र का जप किया है तो तुझे अगला जन्म मेरे प्रिय पार्षद के रूप में प्राप्त होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी मेरी कृपा से तुम्हारी बनी रहेगी, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन और नहीं है। उस आकाशवाणी को सुनकर के एक दिन मैंने उसी पर्वत पर अपने शरीर को त्याग दिया और हे वेदव्यासी, मेरा अगला जन्म भगवान के प्रिय पार्षद देवर्षि नारद के रूप में हुआ। देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। मुझे देवताओं से ही वीणा करताल प्राप्त हुई और इसे लेकर के मैं समस्त लोकों में विचरण करते हुए श्री कृष्ण के नाम का गान करता रहता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, हे वेदव्यासी, कि जब श्री कृष्ण का नाम लेने से एक दासी का पुत्र देवर्षि की उपाधि को प्राप्त कर सकता है तो आप उन्हीं गोविंद के नाम को लेकर के चार मंत्रों का विस्तार करिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए। देवर्षि नारद ने श्री वेदव्यास को चतुः श्लोकी भागवत प्रदान की। जीव माया ब्रह्म साधन चारों मंत्र दिए। देवर्षि नारद वहां से प्रस्थान कर गए और श्री वेदव्यास जी ने मेरे गोविंद के नाम का स्मरण किया
राधा रानी के नाम का स्मरण किया और उनकी कलम चलने लगी, चार मंत्रों का वे विस्तार करने लगे। तो आइए श्री वेद व्यास जी के साथ मिलकर के हम भी गोविंद का स्मरण करें। यहाँ देवता महान कहते हैं, वहाँ राधे को प्रणाम करते हैं। यहाँ देवता महान कहते हैं, वहाँ राधे को प्रणाम करते हैं। यहाँ देवता महान कहते हैं, वहाँ राधे को प्रणाम करते हैं। यहाँ देवता महान कहते हैं, वहाँ राधे को प्रणाम करते हैं। जय हो। खाटू नरेश की जय हो। यहां पे फांसी भाषण लगा के, यहां पे जय हो। बोलो शीश के दानी की जय हो। यहाँ भक्तों पे रोग जमाए, वहाँ
वहाँ राधे को प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये बनवारी सच्ची है कहानी, ये बन
राधे 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 राधा रानी राधे राधे राधा रानी राधे 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 गोविंद और राधा रानी का आश्रय श्री वेद व्यास जी ने लिया और चार मंत्रों को 18,000 मंत्रों में बदल दिया, वही कहलाया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की जय। महर्षि वेद व्यास ने मन में विचार किया कि श्रीमद् भागवत की कथा के सर्वप्रथम यदि कोई अधिकारी पात्र हैं तो वो मेरे पुत्र सुखदेव ही हैं। सुखदेव जी ने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबको जीत रखा है, इसलिए उनसे श्रेष्ठ भागवत को प्रथम प्राप्त करने का अधिकारी कौन होगा। अपने शिष्यों को श्री वेद व्यास जी ने भागवत के कुछ मंत्र याद कराए और कहा वन में जाओ, जहां मेरे पुत्र सुखदेव समाधि में हो वहां इन मंत्रों का गान करना। महाराज गौचारण करते हुए श्री वेद व्यास के शिष्य वन में आए। सुखदेव जी वटवृक्ष के नीचे समाधि में बैठे हैं। श्रीमद् भागवत के मंत्रों का गान वेद व्यास शिष्यों ने प्रारंभ कर दिया और सुखदेव जी के कानों में जैसे ये मंत्र गए, श्री कृष्ण की झांकी का वर्णन सुना, उनकी दया और करुणा की महिमा सुनी तो भगवान सुखदेव के नेत्र खुल गए। उठकर के खड़े हुए, दौड़ करके आए और कहा भैया मुझे और सुनाओ ना श्री कृष्ण के बारे में, मैं गोविंद के बारे में और सुनना चाहता हूं। कहा साहब हमको जितने आते थे सो आपको कह दिए, लेकिन यदि और सुनना चाहते हैं आप अपने पिता हमारे सदगुरु महर्षि वेद व्यास जी की शरण में जाइए, उनके पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। अच्छा मेरे पिता के पास ऐसे 18,000 मंत्र है? जी, मैं अभी जाता हूं और उन 18,000 मंत्रों को प्राप्त करता हूं। सुखदेव जी ने लगाई दौड़ और सीधे वेद व्यास जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया और कहा पिताजी मुझे दे दीजिए श्री कृष्ण की कथा, मुझे गोविंद के 18,000 मंत्र प्रदान कर दीजिए। सुखदेव जी जैसा अनासक्त कोई नहीं और सुखदेव जी जैसा आसक्त भी कोई नहीं। अनासक्त इतने कि जन्म लेने के बाद अपनी मां को त्याग दिया, पिता को त्याग दिया, पिता के आश्रम को त्याग दिया, और आसक्त इतने श्री कृष्ण के ऊपर हुए कि सब कुछ समाधि आदि व्याधि छोड़कर के अपने पिता के चरणों में आकर के प्रणाम कर लिया और कहा गोविंद के मंत्र 18,000 मुझे दीजिए। श्री वेद व्यास जी ने संतुष्ट होकर के सुखदेव जी को एक कोपिन धारण कराई और फिर श्रीमद् भागवत के 18,000 मंत्र भगवान सुखदेव को प्रदान किए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस सबसे पहले मिथिला के परम संत रूपारुण स्वामी जी को प्रदान की, ऐसे ही श्री वेद व्यास जी ने भागवत जी की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। महाराज सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के ज्ञाता हुए। हे शौनकादि ऋषियों, सात ही दिनों में मृत्युलोक के राजा परीक्षित को ये भागवत की कथा कह करके भगवान सुखदेव ने मोक्ष प्रदान कर दिया।
शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज ये परीक्षित कौन, और सात ही दिनों में सुखदेव जी ने इनको भागवत की कथा क्यों कही, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। तो इस कथा का आश्रय हम 3:30 बजे से लेंगे, तो अभी कथा को यहीं पर मध्याह्न विराम दिया जा रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ से उठें, उससे पहले एक बार भगवान नाम का आश्रय लें। ठाकुर हमारे आनंद बिहारी, हम हैं आनंद बिहारी के, ठाकुर हमारे आनंद बिहारी, ताली बजा के, हम हैं आनंद बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नीम करौली भगवान की जय। ओ
पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो हेलो, आज आए हुए सभी भागवत में मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। कुछ आमंत्रित मेहमानों के नाम ले जा रहे हैं, वह आके भागवत की पूजा करें और गुरु जी से आशीर्वाद लेवे। झाबरमल जी भरतिया, पन्नालाल जी सरावगी, हेमंत जी सिंघानिया, पीताम्बर जी अग्रवाल, श्याम जी गोयनका, गोपी किशन जी अग्रवाल, विश्वनाथ जी परसरामपुरिया, एससी गौतम जी, श्री किशन जी सराफ, विश्वनाथ जी लाट, देवकी नंदन जी खेतान, सत्यनारायण जी बुबना। नाम एक बार फिर पढ़ देता हूँ, झाबरमल जी भरतिया, पन्नालाल जी सरावगी, हेमंत जी सिंघानिया, पीताम्बर जी अग्रवाल, श्याम सुंदर जी गोयनका, गोपी किशन जी अग्रवाल, विश्वनाथ जी परसरामपुरिया, एससी गौतम जी, श्री किशन जी सराफ, विश्वनाथ जी लाट, देवकी नंदन जी खेतान, सत्यनारायण जी बुबना। हेलो हेलो, मैं सुशील कुमार जी पदार से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जरूर आके ब्याज जी का आशीर्वाद लें।